आज के थंबनेल पर आप सभी ने देखा होगा कि मोहम्मद रफी साहब की विरासत। आज हम ऐसी विरासत की बात करने जा रहे हैं जो विरासत आप सभी ने शायद ही या कम ही देखी होंगी। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब की विरासत की अगर बात करें तो रफी साहब ने संगीत की तो वो विरासत हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए रख छोड़ी है, जिनकी बातें कई बरसों से हम कर रहे हैं और आने वाले कई बरसों तक हम करते रहेंगे। लेकिन आज मोहम्मद रफी साहब की एक ऐसी विरासत के बारे में जिक्र करना है और एक ऐसा रेयरेस्ट रेयर वीडियो आप सभी को हम शेयर करने वाले हैं जिसे देखकर आप जरूर से बेहद ही खुश हो जाएंगे। ये वीडियो आप सब तक तो पहुंचा है, उससे पहले हम बताते चलें कि मोहम्मद रफी साहब के दामाद मिस्टर परवेज अहमद साहब, जिन्होंने ये वीडियो अपने खुद के चैनल परवेज अहमद चैनल पर अपलोड किया हुआ है, हमने उनसे परमिशन मांगी और उन्होंने खुशी खुशी ये वीडियो हमारे दिल से दिल तक जेडी चैनल के सभी व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए हमें परमिशन दिया। हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर परवेज अहमद जी का। तो देखते हैं मोहम्मद रफी साहब की वो विरासत, वो चार पीढ़ी की विरासत, जो जब पिछली ईद पर यानी 11 अप्रैल को मोहम्मद रफी साहब की चार पीढ़ियां इकट्ठा हुई एक छत के नीचे और उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के पूरे फैंस के लिए जो अपने दिलों के जज्बात शेयर किए, देखने के काबिल रेयरेस्ट रेयर मोहम्मद रफी साहब के पूरे चार पीढ़ियों का गेट टुगेदर। यहाँ इकट्ठे हुए हैं ईद की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके होस्ट हैं शाहिद और फिरदौस। सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मिराज भाई, नसीम बाजी, फिरदौस, उनके बच्चे फरहीन, यास्मीन बेटे, उनके उबैद और इमाद, रक्षी, सादिक और उनके दामाद कैस और बेटी नाजुरा, और साथ में हैं फिरदौस और उनके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम सब। सच्ची पूछो तो अब्बा के टाइम से सब याद आते हैं, यू नो, सब बच्चे हम लोग जब छोटे छोटे थे कैसे सब इकट्ठे होते थे, इतना अच्छा लगता था, है ना। तब तो अब्बा अम्मा थे तो आई मीन इट वाज रियली फैंटास्टिक। बहुत ही ऐसी ईद तो शायद ही, लेकिन इस बार शाहिद ने अपने रूफ टॉप के ऊपर इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, शाहिद एंड फिरदौस दोनों ने, एंड माशाल्लाह वी आर रियली हैविंग अ नाइस टाइम, है ना। बिल्कुल ऐसे बस हम आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट हो गए हैं, यानी माय फैमिली, माय फिरदौस हैज कम फ्रॉम माय सोर विद हर चिल्ड्रन एंड यास्मीन एंड फैमिली, हर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड रक्षी, सादिक एंड उनके बच्चे, यू नो, उनके दामाद और बेटी। बहुत ही अच्छा लगा। एंड a very good friend, you know, a family friend, her name is Shana, and she is an excellent cook, I would say. She bahut acha acha khana hum logo banati hai, khilati hai, bahut hi acha lagta hai, very nice, inme apna pan bahut hi acha lagta hai, you know, she is just like a now family member, right? So anyway, and once again Shahid and Firdaus, I would not say thank you, तो बच्चे हमारे लेकिन बहुत ही अच्छा लगा बेटा यहाँ पे सब इकट्ठा होके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बस ऐसे ही हम लोग ने आपस में कयामत तक की जब तक ये जिंदा है, बस हमने आपस में सब में इत्तेफाक रहे, मोहब्बत रहे, एंड बस वी शुड बी लाइक दिस टुगेदर, यू नो, ऑलवेज लाइक दिस, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आखिरी दम तक के, इंशाल्लाह, या।
हमको खाला खालू की बहुत याद आती है कि वो हमारे सास ससुर भी थे और उनके ज़माने में हम कितना मज़ा करते थे ईद में। ओके, अभी इस बार मैं शायद कि उसमें जमा हुए हैं सब लोग हम लोग और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। डैडी मम्मी के टाइम पे याद आता है सब चीज़ें, सब लोग बहुत खुशी हुई। अब खुदा जैसे लग रहा है जो हम यहाँ है बॉम्बे में हम लोग सब इकट्ठे हो गए इस तरह से, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है और गेट टुगेदर हो रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। हमारी बड़ी बाजी नसरिन बाजी, उनके खाविंद महराज भाई, उनकी बेटी और दोनों नाता नवासी के साथ, यासमी बाजी अपने दोनों पोतों और उनकी बहू फरहीन के साथ, और रक्षी बाजी अपने दामाद और बेटी और अपना नवासे के साथ, और सादिक भाई के साथ। ये दावत जो हमारे सास के टाइम पे होती थी, सब नीचे जो बड़ा घर है सब वहीं इकट्ठा होते थे, बट इस बार पहली बार हम लोगों के यहाँ सब आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा कि आज सब हमारे यहाँ पहली बार हमारी शादी के बाद फर्स्ट टाइम सब हमारे घर आई थे, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, शुक्रिया। I'm feeling very nostalgic. Remembering the old days. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। आज बड़ी खुशी हो रही है, आज पूरा का पूरा खानदान, मुंबई का पूरा खानदान यहाँ पे जमा है। अब नाम तो अपना फिरदौस ने ले लिया, अभी मैं घड़ी घड़ी नाम नहीं लूंगा। मेरे बाबू को बाजू बैठी, मेरा आज बैठे और उनके अपना सरपरस्ती पर सब बैठे हुए यहाँ पे। तो बस दुआ करें हम लोग सबके लिए, अल्लाह ताला अपना सबको अपना खुश रखे। आमीन। All my old memories have just come up, that's it. We all used to celebrate Eid over here and of course bada maza aata tha, line se hum log khade rehte the Eid ke liye and I still remember it was a real memorable days, you know, which is just coming back again. Alhamdulillah, I really enjoyed myself. I've met everyone after a long time. It's really, yeah, and I'm really happy that I've come to मामू के पास अब हम लोग बड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फिरदौस भाभी एंड शाहिद भाई जो उन्होंने आज हम लोगों को ईद की इन्विटेशन दी है, और हमारे मियाँ हमारे साथ हैं सादिक, उनके बाद हमारे दामाद कैस, ये हमारी बेटी नासरा और हमारा नवासा कबलान। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इस फैमिली के साथ में हैं, और हमको आज भी याद है कि बचपन से हम हमारे खाला खालू के साथ ही और पूरी फैमिली के साथ में ही हमेशा ईद मनाए हैं, और आज तक हमको महसूस नहीं हुआ है कि हम कहीं, मतलब उनके कज़िन हैं, उन लोगों ने हमेशा अपनापन और इतनी प्यार मोहब्बत दी है हमको कि हम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे खाला खालू ने हमको इस तरीके से पाले पोसे। आज भी उनकी याद हमारे दिल में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी मगफिरत करें, और ये दिन ऐसी तरह हम लोग साथ में सब भाई बहन एक साथ में मिल के इसी तरह सेलिब्रेट करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज कमलान एंड टुडे आई केप 18 रोजास इन रमजान एंड आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक। बाय, लव यू। ने ना वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का।
प्यार कभी असफल नहीं होता, चरित्र कभी भी नहीं हारता, धैर्य और दृढ़ता से हर एक चीज का सामना करें, सफलता एक दिन जरूर मिलनी है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।